उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है। हालांकि इसमें वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से इस शिविर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक ले रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस है फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पारी शुरू करने का। वहीं शिविर में भी युवा से लेकर बुजुर्ग नेता तक राहुल गांधी को ही कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अध्यक्ष बने गया नहीं ये बता पाना मुश्किल, लेकिन ये चिंतन शिविर और इसमें जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए सियासी भविष्य तय करने वाली है, क्योंकि राहुल क्या फिर से नायक बनने वाले हैं ये सवाल है। कांग्रेस के अंदर चिंतन चल रहा है और फर्स्ट इंडिया लगातार मंथन कर रही है। बड़ी टीम बड़ा पैनल लगातार उदयपुर में हर एक खबर का हर एक बात का विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज इस पूरे सिनेरियो पर लगातार जारी है। हमारी सहयोगी श्वेता वहां पर मौजूद और उनके साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। श्वेता, जिस तरीके से ये मंथन चल रहा है, सवाल हर किसी के जहन में यही, क्या बैठ के राहुल गांधी जिस अंदाज में ले रही हैं, क्या वो इलेक्शन से पहले खुद को अघोषित अध्यक्ष सभी के सामने बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ मैं फिर से नेतृत्व करने को तैयार हूं? बिल्कुल विजेंद्र, ये अहम बात आपने कही और वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि तीन दिन का ये चिंतन शिविर है, आज दूसरा दिन है चिंतन शिविर का। और इस बीच जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को भी रूबरू कराया जा रहा है कि हमारा डिस्कशन क्या रहा, क्या सोच रहे हैं। लेकिन कई ऐसी बैठकें जिसमें राहुल गांधी का मौजूद होना, इसके अलावा भी जो समिति की बैठकें हैं उसके अलावा भी अलग बैठकें राहुल गांधी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं आम कार्यकर्ता की तरह ही पूरे देश भर में घूमूंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा, उस वक्त भी जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो यही चाहते थे कि कमान राहुल गांधी संभाल ले। इसके बाद भले ही परिणाम कांग्रेस के फेवर में नहीं आए हो, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार आवाज यही उठती रही कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी फिर अध्यक्ष के तौर पर संभालनी चाहिए, तभी कांग्रेस यहां पर मजबूत होगी। अब इसीलिए जो आज कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का नजर आ रहा है, जो दिग्गज नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये बयां करते हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है क्योंकि लगातार देखिए महा कवरेज फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है और वो हमारे इन साथियों के जरिए ही हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा है, दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ है, वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। योगेश जी, आपसे इस बात की शुरुआत करते हैं, राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस अभी नजर आ रहा है, बैठकों में शामिल होना, बकायदा चर्चाओं में शामिल होना और दूसरी तरफ से आवाजें ये उठना कि राहुल गांधी को अध्यक्ष की कमान संभाल लेनी चाहिए, क्या लगता है कि इस तीन दिन के चिंतन शिविर के बाद जो बात कही जा रही थी कि बड़ा फैसला होगा, वो ये फैसला होगा? देखिए, राहुल गांधी को चिंतन की कमान संभालनी चाहिए, चिंतन के बाद संगठन की कमान। और जो बात सुबोध कांत साय ने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्यूल सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो करना है संगठन कौन देखेगा, कौन उसको लीड करेगा, अब ये समय आ गया है और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो काम करने को तैयार हैं और बिना गांधी परिवार के कांग्रेस संगठन को की कल्पना नहीं की जा सकती, ये सत्य है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है, सीताराम केसरी को कैसे अकबर रोड से विदा किया गया था, अदिति बखूबी जानती है क्या हुआ था। बहुत अरसे तक नरसिम्हा राव की फ़ोटो तक नहीं लगाई जाती थी, या नरसिम्हा राव की जयंती पुण्यतिथि तक नहीं मनाई जाती थी कांग्रेस के कार्य। बिना गांधी परिवार के कांग्रेस के अंदर बात करना बेमानी है। आज कोई भी अंदर चिंतन शिविर के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोले कि नहीं गैर गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए। अब तो G20-23 भी के नेता भी ये बात नहीं बोल रहे हैं, तो ये बात साफ है कि राहुल गांधी भविष्य में कांग्रेस की कमान संभालेंगे और ये चिंतन मनन जो चल रहा है ये पूरा का पूरा राहुल गांधी के निर्देशों के तहत चल रहा है, रिपोर्टिंग टू राहुल गांधी।
बिल्कुल अदिति, क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार भी अध्यक्ष घोषित हुए थे, इसके बाद भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, बहुत कुछ किया, लेकिन कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तो जीत मिली थी इन राज्यों में, लेकिन इसके बाद हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, कांग्रेस सिमटती चली गई। अब जब कांग्रेस इतनी ज़्यादा कमजोर हो गई और इसलिए मंथन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी, राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आवाज़ें उठ रही हैं कि नहीं राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, आपको लगता है कि एक बार फिर से वो तस्वीरें देखने को मिलेगी अध्यक्ष पद की कमान संभाले हुए राहुल गांधी, या फिर भी फिर से वो नकार सकते हैं या तैयार नहीं हो सकते, क्या नजर आता है? राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज को समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब सीडब्ल्यू बैठक थी हाल ही में, जब दिल्ली में इस चिंतन शिविर से ठीक पहले, उस दिन वो टेबल पे मुंह नीचे बैठे नजर आए, और कई जो सीडब्ल्यू से एक वरिष्ठ ग्रुप है वो लोग दबी जबानी बोल रहे थे कि कनेक्ट नहीं था। उसके बाद अभी पिछले डेढ़ दिन में राहुल गांधी कॉन्फिडेंट नजर आए। राहुल गांधी ने पीसीसी से लेकर तमाम लोगों की बैठक ली आज सुबह, और उसमें उन्होंने जन जागरण यात्रा, जन जागरण की बात करी, अभियान की बात करी, और बाय डिफॉल्ट ये है कि वो जो यात्राएं होंगी जो कि इशू स्पेसिफिक होंगी वो राहुल गांधी ही लीड करेंगे। देखिए, एक बात सत्य मान ली जाए, पहला कांग्रेस लेट हो चुकी है, क्योंकि जैसा भी योगेश जी ने कहा कि ड्यूअल पॉलिसी नहीं हो सकती, ये बहुत पहले ही तय हो जाना चाहिए था। सोनिया गांधी घर में बैठकर सब कुछ कर पा रही हैं जो कर सकती हैं, लेकिन सड़क पे नहीं उतर पा रही। अशोक गहलोत, राहुल गांधी को पहले ही जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन राहुल चाहते हैं कि जो कुछ भी हो उनके अकॉर्डिंग हो। वो पुरानी कांग्रेस से खुद को रिलेट नहीं कर पाते, चाहे उसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, इन्फ्लुएंस होती है कांग्रेस में, वो नहीं चाहते। तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तौर तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और आपको बता दें कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदलाव संगठन में होने की ज़रूरत है, उसमें जो जो भी पॉइंट्स आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसका 50% भी फॉलो हो जाता है तो कांग्रेस वापस से खड़ी होने लगेगी जी। लेकिन श्वेता, बात यह है कि वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन एक लीडर की ज़रूरत एक तरफ। अब वो चाहते हैं कि चुनाव के प्रोसेस से वो बने, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है, सितंबर तक और देरी हो जाएगी, क्योंकि चुनाव दो राज्यों में है। अब पूछा जाए कि कांग्रेस का खोएगी क्या, कांग्रेस के लिए पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास अभी भी खोने के लिए राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। तो इस राजस्थान और छत्तीसगढ़ को अगर बचाना है तो आला कमान को राजस्थान छत्तीसगढ़ में और बेहतर काम करने होंगे, और अभी तक की योजनाओं की तारीफ करनी होगी, बैकअप करना होगा, वहां पर भी जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है लीडरशिप को लेकर उसे दूर करना होगा, और राहुल गांधी को अभी से घर छोड़ देना होगा, पूरे देश का भ्रमण करना होगा, राहुल गांधी को गली गली मोहल्ले पहले कार्यकर्ताओं को खड़ा करना होगा, फिर जनता से कनेक्ट होना होगा। यानी कि मंथन है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और अच्छा भी है, इम्प्लीमेंट होगा भी, लेकिन चाहे कितना ही हर आदमी काम करता है, हर एक घर में भी देखते हैं हर व्यक्ति यूजफुल होता है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा आदमी जो लीड करता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो दिशा देता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो दिशा दे रहे हैं, वैसे यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को खड़े होकर दिशा देनी होगी। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए बेहतर है, क्योंकि एक स्वर में सब एक बार फिर राहुल गांधी को चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बने। राहुल गांधी जिन्होंने लगातार काउंटर किया है केंद्र को, राफेल का मुद्दा हो, चाहे कोरोना के बाद मौतें हुई उसका मुद्दा हो, तो आंख में आंख मिलाकर कोई केंद्र के बीजेपी के नेताओं से बात कर सकता है तो वो केवल राहुल गांधी। बिल्कुल 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 कर सकते। नरेश जी, एक अहम बात है, हम इस कह भी रहे कि नव संकल्प चिंतन शिविर है, पहले सिर्फ चिंतन शिविर था, न्यू रिजोल्यूशन की बात कही जा रही है। अब कुछ लोग तो चर्चा ये भी कर रहे हैं कि इसमें क्या हो गया नया, क्योंकि पहले भी कर चुकी चिंतन शिविर कांग्रेस, उससे भी कुछ नया निकल कर नहीं आया। कांग्रेस के अंदर भी लोगों को कहीं ना कहीं एक डर ये सता रहा है कि ठीक है हम चिंतन भी कर रहे हैं, हम कई बड़े फैसले भी ले लेंगे, लेकिन क्या हम उसको लेकर साथ चल पाएंगे लंबे वक्त तक, उनका डर क्या ये लाजमी है? कुछ देर पहले मैं और अदिति साथ बैठे थे जी, चाय पी रहे थे, तो दो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे पास आए थे और उन्होंने पहला सवाल यही किया कि ऐसे कई शिविर हमने देखे हैं, क्या जो शिविर में फैसले होने हैं वो लागू हो पाएंगे? तो ये अभी कुछ देर पहले की बात है। तो ये जो सवाल है वो सिर्फ हम लोगों तक सीमित नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो नज़र लगाए हुए हैं इस पर, इस शिविर पे नज़र लगाए हुए हैं कि इसमें जो बंद डोम है, इस डोम में जहाँ हम भी बैठे हैं, पास में ताज रावली है, जहाँ सेशन चल रहे हैं अलग अलग, पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, भाषण चल रहे हैं,
लेकिन बड़ी चीज़ ये कि जो डोम में जो कुछ हो रहा है वो क्या ज़मीनी हकीकत में बदल पाएगा कुछ, या जो पिछले लंबे समय से जो ये इस तरह की परंपराएं चल रही है जो शिविर करने की है, बातचीत करने की है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जारी हो जाएगा उदयपुर के नाम से। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, अभी जैसे अदित ने कहा कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पे जो संकल्प लिए जा रहे हैं, जो नव संकल्प की बात हो रही है, उन नव संकल्पों को न सिर्फ कागजों में रखना है बल्कि उनको ज़मीनी हकीकत पे उतारना है। चाहे जैसे योगेश जी ने आज रिपोर्ट दी थी कि चाहे ट्रेन से यात्रा करे, चाहे बस से यात्रा करे, या पैदल करे, या प्लेन से करे, लेकिन जाना जनता के बीच पड़ेगा। क्योंकि 60 साल का जो ढर्रा चल रहा है ना कांग्रेस में, उस ढर्रे पर अब चल के कांग्रेस सफल नहीं होने वाली है। और मेरे शायद योगेश जी और अदिति जो है वो भी इससे सहमत होंगे। और कल जिस तरह से अजय माकन ने कहा था, उन्होंने भी कहा था कि अगर ये ढर्रा हम पहले बदल लेते तो आज स्थिति नहीं होती, आज कांग्रेस 2 राज्यों में सीमित नहीं हो पाती। सबसे आयरनी की बात है कि उदयपुर में हो रहा है शिविर और उदयपुर के कार्यकर्ता ये सब देख के ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मंडल की और कार्यकर्ता खड़े होने की बातें हो रही है देश भर में। उदयपुर में अभी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो पेंडिंग है वो तक भी नहीं हुई है। बिल्कुल, रवि भी ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। उदयपुर का कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, उदयपुर का आप तो लंबे समय से बीजेपी देख रही हैं, वहाँ मंडल की जिले के कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी बड़े पार्टी के प्रोग्राम के अंदर उनको जिम्मेदारियाँ देने के अलावा। एक अदिति से मेरा सवाल रहेगा, एक बड़ी शिकायत रहती राहुल गांधी को लेकर, क्यों लोगों से नहीं मिलते, नेताओं से भी नहीं मिलते, कई बड़े बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी नहीं मिलते, क्या ये दूर हो पाएगी, बड़ी शिकायत। आप ये देखिए, हम राजस्थान में हैं, उदयपुर में हैं, चिंतन शिविर है योगेश जी, और अंदर रफीक खान हैं और अंदर अमीन कागजी हैं। कई विधायकों को इस बात की नाराजगी है कि क्या सिर्फ रफीक खान और अमीन कागजी ही हैं, हम लोग क्यों नहीं सोनिया गांधी के इस कार्यक्रम में आ सकते साथ, हम क्यों रूबरू नहीं हो सकते राहुल गांधी से, ये बात है, अभी भी नाराजगी है। तो आप देखिए, और कई ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं, विधायक हैं, जिन्होंने 1.5 साल से राहुल गांधी समय, मैं दूसरे स्टेट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ कि 1.5 साल से समय मांगा हुआ है और वो उनमें से विधायक है जिन्होंने सरकार बचाने में काम किया है, वो उनको समय नहीं मिल पाया। और मंत्री भी नहीं है, मंत्री भी यहाँ पे नहीं है, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसमें एक बात और आती है रवि, दो सवाल रहेंगे, लेकिन पहला एक यही कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की, अगर अध्यक्ष मान लीजिए बना भी दिया जाता है, क्योंकि सबकी डिमांड यही है, सब चाहते हैं यही है कि आपको अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी ये आदत सुधार पाएंगे, क्योंकि ये तो फिर शिकायत हमेशा ही बनी रहेगी, आपको नहीं लगता? आप बिल्कुल देखिए, इस सवाल से पहले मैं एक और जो चर्चा थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उदयपुर की अगर बात करें, उदयपुर का कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले कई वर्षों से उदयपुर जो कभी एक समय गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, एक लंबे अरसे से, करीब 1.5 से 2 दशक से शायद कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस संगठन को पढ़ा ही नहीं है कि उदयपुर के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर बीजेपी जितनी स्ट्रांग है, उस मजबूती के साथ, मजबूती के सामने कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्य करे, ऐसा कभी जो संगठन जो है पीसीसी, उसने कभी विचार नहीं किया। और यही वजह है कि पिछले 1.5-2 दशक में यहाँ पर कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती चली गई। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो नवसंकल्प शिविर है, लगातार जो सारे सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक बात कही है, और वो ये कि उन्होंने AICC ने जो 6 एजेंडे तय किए हैं उन्हें सिर्फ उन पर चर्चा करनी है, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। जहाँ तक परिवर्तन की बात है, किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको कमान सौंपी जाए, ये जो तमाम चीज़ें हैं इस पर सीधे तौर पर शायद कोई बोलने से बच रहा है। इशारे बहुत सारे हैं, कई सारी इस तरह की बातें हैं जो इंगित करती हैं कि कांग्रेस दरअसल चाह क्या रही है, लेकिन अभी सीधे तौर पर वो इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। अभी सीधे तौर पर ये सब आम कार्यकर्ता समझ रहा है कि राहुल कमान संभालें, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से नहीं कहना चाहती जिस तरीके से आम आदमी कह रहा है। उसका एक तरीका होगा जो शायद आने वाले 2-3 महीने बाद, सितंबर में, अगस्त सितंबर में, ये शायद कुछ देखने को मिले कि वो जो चीज़ें हैं, हालांकि उसका जो जीस्ट ऑफ द डिस्कशन जो है
वो इस नवसंकल्प से निकलेगा, इस शिविर से निकलेगा। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स जिन्होंने यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, अलग अलग जो एजेंडे थे, छः जो कमेटियाँ थीं उनके सारे सदस्य आए, उनके कन्वीनर आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इस बात को इंगित नहीं किया है कि वो राहुल गांधी को, राहुल गांधी अध्यक्ष बने, राहुल गांधी कमान संभालें। ये जरूर तय किया जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो, उसके लिए बूथ लेवल पर जाया जाए। कल हम एक चर्चा में बैठे हुए थे, उस दौरान भी ये बात आई थी कि कांग्रेस जो है वो बात करती है भाजपा के पैटर्न पर चलकर लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग होने की। लेकिन आप देखिए कि पिछले वर्षों से राजस्थान में DCC नहीं है, उदयपुर जैसी जगह में कोई नाम लेवा नहीं है जो कि सीधे तौर पर पार्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसी पर एक सवाल है, ये तो वही हो गया कि हम उदयपुर में कर रहे हैं, दिया तले अंधेरे वाली बात है कि उदयपुर को फोकस किया गया, उदयपुर साधने की कोशिश राजस्थान के भी चुनाव में की जाती है, गुजरात को साधने के लिए उदयपुर है, यहाँ हर चीज पे आप बहुत ज्यादा आप रणनीति बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग करने के लिए आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई कवायद, इसकी वजह क्या है? उदयपुर लगातार आप उदयपुर कवर करते हो, रवि ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि क्या वजह की कांग्रेस यहाँ मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रही और यहाँ से देश भर को मजबूत करने की बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि मेवाड़ जो है वो हमेशा से सत्ता की चाबी रहा है, सत्ता राजस्थान की जो है वो जिसने मेवाड़ को जीता उसने पूरे प्रदेश को जीता, ये एक बड़ी कहावत हो चुकी है। लेकिन यही सोचनीय विषय है, यही मंथनीय और चिंतनीय भी है कि आखिर क्यों इस इलाके से, इस आदिवासी अंचल से ऐसे लीडर्स डेवलप नहीं किए जाते, समय रहते ऐसे लीडर्स को मौका नहीं दिया जाता। आज राजस्थान में पार्टी की सरकार बने हुए 4 साल के लगभग होने को हैं, लेकिन इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए था, खासकर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आज की डेट में सरकार में या फिर बोर्ड में या फिर आयोग में कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शक नहीं होना चाहिए कि उदयपुर जैसी जगह जहां पर नव संकल्प शिविर आयोजित किया जा रहा है, इस इलाके के आदिवासी मतदाता को पार्टी अपने तरफ लाना चाहती है, जो कि पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से, दशकों से दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके लिए धरातलीय तौर पर कोई बहुत बड़ा काम किया हो ऐसा नज़र नहीं आता है। अहम बात अदिति, हम बहुत सारी समितियों की बात कर रहे हैं क्योंकि इनका फोकस है, अलग अलग समिति अलग अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उस पर कैसे बेहतर कर रहे हैं कांग्रेस वो कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच संगठन को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, संगठन मजबूत हो, संगठन में ऐसा हो, फैसले लिए जाने चाहिए, संगठन हो कैसे मजबूत, काम इसमें किया कैसे जाए, बदलाव क्या होने चाहिए ताकि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस जो हो उसमें फर्क साफ नजर आए, जीत मिल सके, मजबूत हो सके। तैयारी करिए, वो मैं आपको कुछ पढ़ के यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। और देखिए कई बार क्या होता है, कोई सामने वाला आपसे बेहतर हो तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है, और अब कांग्रेस मोड पर है जहाँ बीजेपी हर जगह हर मोर्चे पर बेहतर है तो वो सीखना चाह रही है। अब CWC एक कमेटी है, हाईएस्ट कमेटी, अब आपको मिलेगी यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड, कांग्रेस ने तय किया है कि एक इमरजेंसी पॉलिटिकल ब्रीफिंग जब भी कोई ज़रूरत होगी डिसीजन के लिए तब होगा। इसके अलावा एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हर स्टेट में होगी, तमाम तरीके की एक पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसमें कोई भी कांग्रेस डिसीजन लेने से पहले पब्लिक का जो फीडबैक है उसको अपने डिसीजन में शामिल करे। तो तमाम तरीके की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग है, जिस तरीके से RSS एक पैटर्न पे अपने लोगों को ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग ऐसा है कि आप आसाम जाएं, जमाना बदल रहा है वहाँ पर, कैसे ट्रेनिंग क्या होता है समय समय रहते हुए एक एजुकेशन की तरह है, आपको बदलते समय के साथ और बेहतर ट्रेन किया जाता है, तो वो ट्रेनिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग नाम से एक इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की बात है। और इस तरीके से सबसे बड़ी बात है योगेश जी, आप समझेंगे, NSUR YYC फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ढंग से उनको वहाँ के लोग जो यूथ हैं नाराज भी रहते हैं, यहाँ पर इलेक्शन कराए गए राहुल गांधी की इच्छा से, लेकिन उसके बाद देखा कि वो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ या फिर जो वो पूरी तरीका था वो नहीं बैठ पाया, उस वजह से संगठन जो है युवाओं का वो वीक हुआ। तो अब रीलुक किया जाएगा दोबारा कि IYC के चुनाव या NSUI के चुनाव होने चाहिए या नहीं। लेकिन इन सारे बीच में सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ये मैनेज नहीं कर पाते लोगों से मिलना करना, राहुल गांधी को जरूरत है एक सच में एफिशिएंट टीम की, वो टीम जो एड्रेस कर सके जो लोग नाराज है नहीं, यानी कि जैसे एडवाइजर की जरूरत होती है, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी का एडवाइजर कौन, जैसे सोनिया गांधी के आज तक अहमद पटेल रहे, तो राहुल गांधी का अहमद पटेल कौन बनेगा, तब जाके चीजें मैनेज होंगी। अभी जो मुझे लगा 3
गांधी परिवार के अलावा तीन जो लोग हैं, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और सुरजेवाला, ये तीन बड़े पावरफुल सेंटर हैं। और उसके बाद जो नई टीम तैयार हो रही है, आप मेरे से उसमें एग्री हो सकते हैं, उसमें अमरिंदर राजा बराट, बीबी श्रीनिवास, और इसके साथ ही जो यूथ की एक अलग टीम जो तैयार, जो अब जिसको मेन स्ट्रीम में लाया, राजीव सातव अब नहीं रहे, तो मेन स्ट्रीम में जो टीम आएगी, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, ये वो जो नए जो चेहरे हैं जिनको लाने की, आगे फ्रंट पे लाने की बात की जा रही है। लेकिन हाँ नरेश, इसी में बात में जोड़ना चाहूँगा, आपने श्रीनिवासन की बात की है, कल यूथ को लेकर एक सेशन हुआ था यहाँ पर। अब बात यह है कि कैसी प्लानिंग होती है। कल एक सवाल पूछा गया था कि यूथ के लिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन यूथ का कोई डाटा है आपके पास, तो कोई जवाब नहीं था। दूसरी बड़ी बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनिवासन नहीं थे, यानी प्रेजेंटेशन जो बात कह रहे थे अशोक गहलोत लगातार कि मार्केटिंग में अभी भी कमी है, अपनी बात रखने का जो तरीका है उसमें अभी भी कमी है, कहाँ किसको प्रेजेंट करना चाहिए। श्रीनिवास कैसे बने, अभी अतिथि ने बताया कि कैसे चुनाव के एक तरीके से निकले थे, मेहनत की है, एक चेहरा बने थे यूथ आइकन के, पिछले दो दिन से यहाँ दिखाई नहीं दे रहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जो जिन युवाओं की बात कर रहे हैं कि 50% के लगभग यहाँ जो डेलीगेशन आया है उसमें 50 साल से कम के लोग हैं, लेकिन इनके बावजूद इनके पास युवाओं का डाटा तक नहीं था जब सवाल पूछा गया था। मतलब कहीं ना कहीं, कहने का मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ तैयारी करने की बात है, बहुत कुछ सोचने की बात है, बहुत कुछ प्लानिंग की बात है। जिस तरह से नरेश जी भी बता रहे हैं और आप लोग क्योंकि यहाँ पे मौजूद भी थे, युवाओं को लेकर बातें कही जा रही है कि युवाओं को हम मौका देंगे, युवाओं को आगे लेकर आएंगे, युवा क्योंकि भविष्य जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो युवा और जो वरिष्ठ है उनमें मतभेद नजर आता है, उनमें एक विचार नहीं बन पाता है। क्या नजर आता है कि इस चिंतन शिविर के बाद युवाओं को वो तरजीह दी जाएगी जिसकी उम्मीद कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं, युवा नेता कर रहे हैं? कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को आगे लेकर आएंगे, 50% अब युवाओं को मौका दिया जाएगा, हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि 50 में कौन सा आंकड़ा है, 35 साल वाले, 40 साल वाले, 45 साल वाले या फिर अदिति 50 साल वाले, इसका कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है, लेकिन युवाओं को लेकर आएंगे, अब ये कथनी और करनी में कितना फर्क है या फिर ये वाकई में करते हैं। और रही बात, हम राहुल गांधी का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं, अभी वो कुर्सी पर बैठे हैं और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी उसी के लिए तैयार की जा रही है। राहुल गांधी अभी सिर्फ सांसद है लेकिन अघोषित मुझे लगता है अध्यक्ष है, क्योंकि जिस तरीके से वे कुर्सी पर बैठते हैं और दिग्गज कांग्रेस के नेता उनकी आवाज को सुनते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको सुना जाता है और एकमत होकर राय भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर खाने तो सब कुछ तय है लेकिन बाहर से अघोषित हमारे लिए सांसद है और उनके लिए अध्यक्ष है, और युवा पीढ़ी उनके लिए तैयार हो रही है, क्योंकि जब युवा नेता नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी को युवा नेता ही कहा जाता है, तो फिर युवा पीढ़ी आगे कैसे आएगी? तो मुझे लगता है कि जो कहा जा रहा है उसे अब करके दिखाने का टाइम है, क्योंकि फिर बीजेपी के लिए जो कहा जाता है और उनके और कहने में फिर ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। श्वेता अदिति, इसी पे क्योंकि युवाओं को लेकर बात यहाँ पर कही जा रही है, युवा नेता क्या राहुल की पसंद हमेशा रहती है कि युवा को लेकर आए, दूसरी तरफ वरिष्ठ, कई हमने मतभेद देखे सिर्फ राजस्थान को लेकर नहीं, क्या वो खत्म हुआ है? सवाल यही है कि आप ये देखिए, हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सोच कैसे बदलेंगे? आज सुनील जाकर ने रिजाइन करा और उन्होंने क्या कुछ कहा? अभी से पहले जितने लोग नाराज हुए, बाड़े में गए या फिर रिजाइन करके चले गए, वो सब यही थे कि राहुल गांधी समय नहीं देते, राहुल गांधी बात नहीं करते। सवाल ये है कि जो वरिष्ठ है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और जो यंग है वो कोई ना कोई बड़ा पद चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद शिक्षक वो ये त्याग कर पाएंगे? क्योंकि सोने का जी का हमने बहुत दिया है, कांग्रेस ने बहुत दिया है। सबसे बड़ी बात, ये बिलो 50 की बात जब से आई है पूरे चिंतन शिविर के अंदर हलचल मची हुई है, अंडर 50 की के एज वाले लीडर्स के बीच में और अबव 50 एज वाले लीडर्स के बीच। अगर अंडर 50 एज वाले लीडर लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं कई राज्यों में, संगठन में, तो क्या अबव 50 वाले लीडर्स उनके नीचे काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है अंदर, इस बात को लेकर चाहे अनंता रिजॉर्ट में जो लोग रुके हुए हैं, चाहे जो ताज अरावली पे रुके हुए हैं, वो देर रात तक इसी मंथन में लगे हुए हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन नरेश जी, एक सवाल और उठता है, इससे पहले पीके फैक्टर भी था, कांग्रेस में आया और चिंतन शिविर के पहले लग रहा था कि चिंतन शिविर में वो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलाव करेंगे, लेकिन पीके ने जो 87 स्लाइड्स दिखाई, बहुत सारे प्लान रखे, कहा जा रहा है कि भले पीके कांग्रेस के साथ नहीं है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या वाकई में आप मानते हैं? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कल जो बातें हुई थी, कल जो चर्चा हुई थी, आज
तमाम मीडिया ने उसको कवर भी किया है कि ऐसे प्रमुख बिंदु थे जिन पे पीके की राय थी और उन बिंदुओं के आधार पे इसमें विचार विमर्श भी हुआ, चर्चा भी हुई है। हो सकती है कि आने वाले समय में और कई ऐसे बिंदु, जो स्लाइड चली थी, कई घंटों तक प्रेजेंटेशन हुआ था, राजस्थान के मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी स्लाइड देखी थी, अपनी राय दी थी, तो हो सकता है कि पीके के जो बिंदु है उन पर बिल्कुल फोकस करेगी कांग्रेस। लेकिन एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, अभी योगेश जी ने जो कहा कि बिलो 50 के मामले पे हलचल मची हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, दो बार सोनिया गांधी ने ये बात कह दी कि अब लौटाने का वक्त आया, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। उन जिनको बहुत कुछ मिला है उनका बयान अभी तक नहीं आया कि वो किस तरह से लौटाएंगे। जिनको बहुत कुछ मिला है उनका अभी तक बयान नहीं आया है कि वो कैसे लौटाएंगे। तो बड़ी चीज़ यही है कि क्या ये चर्चा तक सीमित रहेगा, या जो इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात कर रहे हैं लगातार, एक भी बड़ा जो कांग्रेसी नेता, सीनियर कांग्रेसी नेता जो लंबे समय से मान लो पार्टी में रहा है, पद पे रहा है, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ भाई मैं अब पद छोड़ने को तैयार हूँ, या मैं कुछ पार्टी के लिए करने को तैयार हूँ, नए को मौका देने के लिए तैयार हूँ, मतलब अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि इसी को लेकर फिर मतभेद दूर करने की कोशिश हो और इसी को लेकर कुछ की नाराजगी हो जाए या फिर साथ ना आने की। संगठन होता है तो मतभेद चलते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए होता है, लेकिन बड़ी चीज ये है आगे बढ़ना है तो फैसले लेने पड़ेंगे, फैसले कठोर भी होंगे। पोटेंशियल भी तो देखनी पड़ेगी, हो सकता है जैसे बीजेपी की तर्ज पे मार्गदर्शक मंडल बना दिया जाए और हर 70 से ऊपर 75 से ऊपर वाले को मार्गदर्शक मंडल में कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के पास जो एक्सपीरियंस की जरूरत है वो हो सकता है 70 साल वाले के पास हो, आप उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दोगे तो आपको तो बेसिकली आपको पिक एंड चूज करना होगा कि इसकी पोटेंशियल ये है, इसकी पोटेंशियल ये है, ये यहाँ काम आएगा। जरूरी नहीं है हर युवा जनता पे जाकर उतना कनेक्ट हो पाए, हर युवा उस पॉलिसी को समझ पाए या हर बुजुर्ग आदमी सड़क पे जा पाए, आपको अपने नेताओं की पोटेंशियल समझकर ही काम आगे करना पड़ेगा कि इसमें पोटेंशियल ये है, इसमें पोटेंशियल इस चीज का है, इसमें इसकी पकड़ है। क्या आपको पता है कि आपके लोगों में किसमें क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे यूज करना है आपको? वो सोनिया गांधी और उनकी पूरी टीम को अगर आज तक समझ नहीं आया तो अब आगे आ भी नहीं सकता। देखिए श्वेता, मुझे एक चीज लगती है कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो नव संकल्प ने चर्चाएं होनी है, जो कंक्लूजन निकलने हैं, वो क्या लागू हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस के पास आज की डेट में, जैसा अदिति ने भी कहा, कि दो राज्यों के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये नितांत जरूरी हो गया था कि कांग्रेस पार्टी और उसकी टॉप लीडरशिप एक मंच पर आए, लंबा अरसा हो गया था एक मंच पर आकर बैठे। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बात को जरूर जानती है कि पूरे देश में भाजपा के अलावा एकमात्र वो पार्टी है जिसका पूरे देश के हर स्टेट में अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कार्यकर्ता हैं, उसका एक पूरा एक सिस्टम है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की एक संवेदनशीलता कहें या समझ कहें कि उनको इस बात की समझ है, इस बात की समझ आई है, चूँकि जिस तरीके के हालात उन्होंने देखे हैं पूरे देश में, उस सब चीज़ को लेकर उनमें समझ आई और शायद इस बात को लेकर वो कुछ डिसीजन लें। हम चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं, बेहद अहम मुद्दा है भी, चिंतन शिविर जारी, पीछे भी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हलचल यहाँ पर तेज है। लेकिन इतना जरूर है कि आज का भी दिन है, बहुत कुछ तस्वीरें हो सकता है अभी रात तक पे भी निकलकर सामने जाए, कल का भी पूरा दिन है, 3 दिन के चिंतन शिविर से निकलता क्या है और जो फैसले लिए जाते हैं, बड़ी बात यह है कि भले ही आप मुठ्ठी पर चीजों पर फैसला लें लेकिन उसको आखिर तक लेकर चल पाते या नहीं बिना किसी की नाराजगी के, सब एकजुट होते हैं या नहीं, ये भी अहम रहेगा। क्या कुछ चिंतन शिविर के बाद निकलता है उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लगातार हमारी टीम यहाँ पर मौजूद ही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।